और अभी सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रोहिलखंड समाचार। इस समय उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हैं आजम खान के परिवार से मिलने के लिए। वहीं आजम खान का परिवार से मुलाकात हुई है, हमें जानकारी मिल रही है कि आजम खान इस मुलाकात से सीतापुर जेल में बैठे हैं और नाराज हैं। ये बात वो सही है कि आजम खान के सूत्र बता रहे हैं कि आजम खान के घर जो अखिलेश यादव पहुँचे हैं उसको लेकर के आजम खान अंदरूनी नाराज हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि अखिलेश से जब मीडिया ने ये सवाल पूछा कि आप आजम के घर आए हैं, आजम खान के घर आए हैं, तो उन्होंने क्या अटपटा सा जवाब दिया है, अजीब सा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हमेशा खड़े हुए, ये सच्चाई है, ये पूरा देश जानता है कि अखिलेश किस हद तक आजम खान के साथ खड़े हैं। ऐसे ही कुछ आरोप आज जब हरदोई में चंद्रशेखर जब मिले थे अब्दुल्ला आजम से, तो उन्होंने भी कहा था कि आजम खान के परिवार को अकेला छोड़ा गया है। तो जाहिर था कि जहां एक ओर चंद्रशेखर ने अखिलेश पर निशाना साधा था, वहीं अखिलेश आज अपना बचाव करते दिखाई दिए और आजम फैमिली से मुलाकात भले ही की हो, लेकिन एक निशाना ये भी है कि आजम खान कहीं उनसे दूर ना चले जाएं। और वहीं जो उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पे, वहां से मुस्लिम वोट खिसक ना जाए। आखिरकार अखिलेश यादव ने क्या कहा है ये सुन लेते हैं। और अखिलेश यादव आजम के घर पर पहुंचे हैं, क्या है पूरा सीन ये देखिएगा इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम एक मामले में हरदोई जेल में सजा काट रहे हैं, तो आज उनसे मिलने पहुंचे थे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर की इस मुलाकात को कई मायनों से देखा जा रहा है, तो वहीं आजम फैमिली से भी मिलने पहुंच गए रामपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की इस मुलाकात को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्म है, क्योंकि आजम खान जब से जेल में बंद हैं तब से अखिलेश यादव की ये पहली मुलाकात देखी जा रही है। और इसके बाद अखिलेश ने जो कुछ मीडिया से शेयर किया है उससे लगता है कि अखिलेश यादव किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं। वहीं हरदोई में अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर जो नगीना के सांसद हैं उन्होंने गोलमोल शब्दों में अखिलेश पर हमला भी बोला था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आजम खान की फैमिली को अलग छोड़ा गया है, लेकिन हम सड़क से संसद तक रामपुर आया हूँ और रामपुर पहले भी मैं आता रहा हूँ। मैं रामपुर की जनता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, रामपुर की जनता का, आसपास की जनता का, जिन्होंने पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को इसी तरीके से लड़ते रहना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ से नहीं हटती है तब तक संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, जहाँ तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे उनको खत्म किया जाना चाहिए। सरकार की तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैं जानकारी जरूर करूंगा। क्या बात हुई है? अच्छा, आजम खान साहब की पत्नी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बात? मेरी पहले भी मुलाकात हुई है, वो यही चाहती है, उन्हें न्याय मिले। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव आजम खान पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आज आजम खान के घर जानता हो, ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है, हम सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। कानूनी लड़ाई है, उसमें आदरणीय आजम खान साहब की पूरी मदद। चुनाव के समय ही आ जाते हैं चुनाव। देखिए, बहुत बात इधर उधर हो जाएगी। जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव में याद आना नहीं, ये बीजेपी वालों को कब याद आते हैं ये सोचिए आप। मैं रामपुर की जनता का धन्यवाद देता हूँ, जो पीडीए, इंडिया गठबंधन और संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे सांसदों को जिताने का काम किया, न केवल रामपुर से बल्कि आसपास से सांसद को जिताया। ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं,
कैसे न्याय मिले, कैसे चीजों को ठीक किया जाए, उस दिशा में लगातार ये पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप चुनाव में चलेंगे? नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।